अस्सलामुअलैकुम होम कुक्स, वेलकम टू हफ्सास किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी चिकन एंड मशरूम कीश विद अवन एंड विदाउट अवन, दोनों तरीके से, यानी कि मैं इसको अवन में भी बनाऊंगी और पतीले में भी। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। आप इस कीश को एज अ टी टाइम स्नैक या फिर ब्रेकफास्ट के तौर पे या तो फिर किसी पार्टी स्नैक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही एपेटाइजिंग लगती है। तो आइए कीश बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पतीले प्रीहीट कर लेंगे, तो उसके लिए खाली पतीले हल्की आंच पे प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और अगर से आप ओवन में बेक करना चाहें तो ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट होने के लिए छोड़ दें। अब हम कीश की डो तैयार कर लेंगे, तो उसके लिए हम एक बोल में 200 ग्राम मैदा डालेंगे। ये मैंने पहले से ही छाना हुआ है, मैदे को हमेशा छान के यूज करते हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक, इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मक्खन, 100 ग्राम है यहाँ पे और रूम टेम्परेचर पे है। एक अंडे की जर्दी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अंडे का येलो वाला पार्ट। हम कीश की डो को अंडे के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन हम कीश के जो मिक्सचर है उसमें हम अंडे ही डालेंगे, तो इसलिए मैंने डो को एगलेस नहीं बनाया। अब हम इसको हाथों की मदद से गूंद के एक आटे की तरह तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं गूंदते इसको, हल्का सा जैसे ही ये इकट्ठी होने लगे तो बस यहाँ पे ये तैयार हो चुकी है। अब हम कीश को बेलेंगे, लेकिन बेलने से पहले हमें जो पैन चाहिए वो ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 किस्म के पैन हैं। एक नॉर्मल पाए पैन, जिसमें हम नॉर्मल कोई भी टार्ट, पाए या फिर कीश बना सकते हैं। इस तरीके के मार्केट में मिल जाते हैं। अगर से आपके पास ये हो तो आप ये ले लें, अगर से आपके पास ये नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। आपके पास पिज्ज़ा ट्रे या फिर थाली टाइप इंडियन जो हर घर में मौजूद होती है वो आपके पास हो सकती है, या तो आप वो ले लें। और या फिर आप इस तरीके के कोई छोटे पाए पैन भी ले सकते हैं छोटी मिनी कीश बनाने के लिए। अब हम काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और बेकिंग ट्रे के साइज से थोड़ा सा बड़ा डो को बेल लेंगे। बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे, हल्का सा मोटा बेलेंगे। और इसको इस तरीके से रोलिंग पिन पे उठा लेंगे और बेकिंग ट्रे पे इसको डाल देंगे। साइड्स जो है उसको नाइफ की मदद से हम काट लेंगे। तो यहाँ पे डो अच्छे से सेट कर ली है। अब बाकी की जो साइड्स बची हैं उसको एक बार इकट्ठा कर लेंगे, उसको वापस से बेलेंगे। और इस तरीके से देखिए उस पर भी लगा देंगे। बहुत ही आसान है, इस पर सेट कर लेंगे इसको लाइक दिस। तो कीश बनाने के लिए हम इसको 2 बार बेक करेंगे। पहली बार हम इसके ऊपर बटर पेपर रखेंगे और इसके अंदर कोई सी भी बीन्स डाल देंगे सूखे हुए, या तो आप लोबिया डाल दें या चना डाल दें या चावल डाल दें, कोई आपकी मर्ज़ी है। बस हमें एक वेट चाहिए बटर पेपर के ऊपर, ताकि जो डो हम बेक करें वो इधर उधर से शेप जो है वो ख़राब ना करे, अपनी बिल्कुल जो शेप है उसी के अंदर बेक हो। और इस चने को आप रख सकते हैं एक बर्नी में बार बार कीच बनाने के लिए। ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं बेकिंग के लिए जिसमें हमें इस तरीके से वेट डालने के लिए बीन्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो आप इसको रख सकते हैं एक जार में स्टोर करके, या फिर आप इसको बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम इसको 45 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए यहाँ पे तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं और हमारे कीश की जो डो है वो अच्छे से बेक हो चुकी है, यानी कि इसका जो शेल है वो अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसके ऊपर से चना हटा देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ही रख देंगे। तो कीश बनाने के लिए हम एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, साथ ही इसमें शामिल करेंगे एक छोटे साइज की प्याज। इस तरीके से चॉप कर लें बारीक, इसको हल्का सा सौते कर लेंगे और जब प्याज अच्छे से सौते हो जाएगी तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी कि 1 चाय का चम्मच। इसको भी 10 से 20 सेकंड के लिए अच्छे से सौते कर लेंगे। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे चिकन, तो क्यूब्स में कटी हुई चिकन डाल देंगे। ये एक चिकन ब्रेस्ट है जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि चिकन गल जाए। तो देखिए चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे 1 कप मशरूम जो कि स्लाइस में कटे हों। ये टिन वाले मशरूम्स हैं, आप चाहें तो आप फ्रेश मशरूम्स भी ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर और 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर। इस सबको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको पैन में ही पका लेंगे और 1 मिनट के बाद हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब हम 3 अंडे ले लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 कप फ्रेश क्रीम, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर और इसको इस तरीके से देखिए विस्क की मदद से अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। अब हम पेस्ट्री डो में अच्छे से फिलिंग डाल लेंगे, इसको सेट कर लेंगे। इसके ऊपर शामिल करेंगे हम थोड़ा सा चीज़, ये ऑप्शनल है, जितना आप पसंद करें उतना डाल दें। चीज़ डालने के बाद हम इसके ऊपर एग और क्रीम का मिक्सचर जो हमने बनाया था वो डाल देंगे। और अब हम इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बेक कर लेंगे। तो देखिए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। कीश जो है उसको चेक कर लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से बेक हो चुकी है लेकिन इस पर कलर नहीं आया। अब जैसे कि मेरे पास अवन है, इसमें मैं अवन में इसको कलर दे दूंगी, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल बेक्ड है। आप इसको बिल्कुल ऐसे एंजॉय कर सकते हैं और बिल्कुल भी इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस थोड़ा सा इस पर कलर आएगा तो ये थोड़ी सी और एपेटाइजिंग लगेगी। तो देखिए इस तरीके से जो स्लेमेंडर होता है उससे हम इसको कलर दे देंगे लाइक दिस। अगर से आपके पास ब्लो टॉर्च हो तो आप उससे भी इसको कलर दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस पर प्रॉपर कलर आ चुका है और ये कितनी एपेटाइजिंग लग रही है। होम कुक से बहुत ही ज़बरदस्त मैंने आपके साथ कीश की रेसिपी शेयर की है। 5 स्टार होटल में बिल्कुल इसी तरीके से हम कीश बना के तैयार करते थे। आप चाहें तो आप इसको ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको टी टाइम स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं या फिर किसी भी पार्टी स्नैक्स के लिए इसको बना सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग बनता है। तो अगर से आपको इस कीश की रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दीजिए। अगर से अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।